ये प्रदेश के अंदर वे कार्यक्रम है जिन्हें अलग अलग सेक्टर के माध्यम से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी प्राप्त करने के समय राज्य सरकार ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने इस सदन में वर्ष 23-24 का अपना बजट प्रस्तुत किया है। बजट का पैसा आपने देखा होगा, हर एक सेक्टर के लिए पैसा है, हर एक योजना के लिए पैसा है, हर एक तबके के लिए पैसा है। कोई तबका अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं कर सकता और फिजूल खर्ची भी नहीं है। एक रिपोर्ट जो बताती है मुझे, प्रदेश में 12 से 17 के बीच में अकेले सिफई महोत्सव में 1234 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इन्वेस्टर समिट में इस 17 से 22 के बीच में जो हम लोग किए हैं इसमें मात्र 21 करोड़ रुपए हम लोगों ने खर्च किया है और उत्तर प्रदेश को निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में भी प्रस्तुत किया है। और इसलिए शिवपाल जी मैं केवल एक ही बात बोलना चाहूंगा, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल। जो सूल आप लोगों ने बोए थे उन्हीं सूल को ठीक करते हुए, दुरुस्त करते हुए रोलर और बुलडोजर चला चला करके प्रदेशवासियों के लिए फूल उगाने का कार्य हो रहा है और वही हो रहा है। और इसीलिए यह देश राम राज्य से ही चलेगा। ये राम राज्य की अवधारणा को पूरा करने और उसकी आधारशिला बनने जा रहा है यह बजट। इस वर्ष भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है,